नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिजली विभाग की लापरवाही का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब खागड़ी पंचायत की एक बस्ती में अचानक 11,000 वोल्ट का ओवरहेड तार गिर पड़ा। गनीमत रही कि उसकी चपेट में ना कोई इंसान आया और ना कोई पशु। ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। दक्षिण घागेटी पंचायत के नई बस्ती में घरों के ऊपर से बिजली विभाग के 11,000 वोल्ट का तार पार हुआ है। आज अचानक सुबह एक चिंगारी उठी और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि प्रभा हांसदा के घर पर टूटकर गिर पड़ा। तार टूटने की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलते ही बिजली विभाग के पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मरम्मती का कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं कि घरों के ऊपर से 11,000 का तार क्यों पार हुआ है। बिजली विभाग को चाहिए कि जहां तक घर है उसके ऊपर एक जाली बना दिया जाए ताकि कभी किसी तरह का बड़ा हादसा ना हो। 11,000 का तो अगर अनहोनी हो बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन ऐसे अनहोनी हुआ नहीं। क्या हुआ? ये 11,000 तार गया हुआ है यहाँ से। दो तार पे दो दिन पहले ही कोई बच्चे लोग गुड्डी उड़ा रहे थे तो गुड्डी लटका हुआ था। अब वो गुड्डी से ही कैसा करके उस तार शॉर्ट किया, ये तो बोल पाना मुश्किल है। लेकिन ये तार जो कटा, हम लोग सब घर पे थे, हम तो बाहर निकले थे, बहू लोग घर में थे, बच्चे लोग, और तार गिर के मतलब कि बंद हो गया, सीधा घर पे गिरा। घर पे गिरा। बगल में काम क्रिया हो रहा था, उनका यहाँ भी गिरा, वहाँ उनका नीचे भी बहुत लोग बैठे हुए थे, लेकिन भगवान की दया से किसी को कोई क्षति नहीं हुआ। लेकिन घटना तो घट सकता था अगर कुछ, लेकिन अच्छा, ये जिस तरह से तार गया हुआ है, आप लोग बिजली विभाग से नहीं? बिजली विभाग बोले एक दो मरतबे, तो बिजली विभाग वाला बोलते हैं कि जाली बैठाते नहीं। और कुछ लोग आते तो बोलते हैं कि आप लोग यहाँ से घर इधर बनाइए। बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। उधर दूसरी ओर कदमा बाजार के पास सड़क किनारे दुकानों को 24 घंटे के भीतर खाली करने का आदेश प्रशासन ने माइकिंग के जरिए दी है। इससे दुकानदारों में हड़कंप व्याप्त है। उनका कहना है कि उजाड़ने से पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनका भी परिवार चल सके। कदमा क्षेत्र में फुटपाती दुकानदारों पर प्रशासन की गाज गिर गई है। प्रशासन ने सभी को 24 घंटे के भीतर खाली करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद दुकानदारों में हड़कंप व्याप्त है। वर्षों से इस स्थान पर अस्थायी दुकानें लगाकर वे अपने परिवारों का भरण पोषण करते आए हैं। अचानक प्रशासन के इस फरमान के बाद सभी दुकानदार आक्रोशित हो उठे हैं और आज उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि यदि उन्हें उजाड़ा जा रहा है तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर दे या फिर वेंडिंग जोन बना कर दे। यदि ऐसे ही उन्हें उजाड़ दिया जाएगा तो उनके परिवार के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। के संग हैं हम लोग, जितने भी कदमा दुकानदार के फुटपाथी हैं वो सब इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। हम लोगों को अभी आके अनाउंस करके गया है कि 24 घंटे के अंदर दुकान खाली करना होगा, ठीक है। कि देखिए, अभी इतने सारे फुटपाथी दुकानदार लोग हैं, पूजा सामग्री के दुकान हैं बहुत सारे, अभी होली त्यौहार है, पर्व त्यौहार है, इतने सारे सामान ला के लोग रखे हुए हैं, उनको बेचने के लिए हर साल भर इंतजार करते हैं। अरे अचानक से होली से पर्व त्यौहार के टाइम निकट आने पर ही ये अचानक से आके बोलते हैं कि आपको यहाँ से दुकान खाली करना होगा। दुकान तो यहाँ पार्किंग की समस्या है ना, जाम की समस्या है। यहाँ देखिए पार्किंग स्थल बहुत सारा खाली रहता पड़ा रहता है, ठीक है। दुकानदार भी शांतिपूर्वक दुकान कर रहे हैं अपना, लेकिन प्रशासन को पता नहीं कहाँ से क्या आदेश आ जाता है कि दुकान खाली करो, पार्किंग कर दो। हम लोग चाहते हैं कि अगर हटाएं तो एक अस्थायी जगह हम लोगों को दिया जाए। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM में भी अब निजी अस्पताल के तर्ज पर पास सिस्टम से एंट्री होगी। आज SDO पारुल सिंह ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का औचक निरीक्षण किया। कोल्हान के इकलौते सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण करने बुधवार को धालबूम SDO पारुल सिंह पहुंची। इस दौरान उनके साथ अस्पताल के अधीक्षक एवं उपाध्यक्ष भी मौजूद थे। निरीक्षण के क्रम में SDO ने वार्ड के मरीजों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। वहीं अस्पताल के अव्यवस्थाओं के सवाल पर SDO ने बताया कि अब यहां पास सिस्टम से एंट्री होगी, इसके निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पार्किंग की व्यवस्था भी करने के निर्देश है।
पहले की तुलना में व्यवस्था में सुधार हुए हैं। इसमें और जरूरी सुधार के निर्देश दिए गए हैं। मरीजों के परिजनों के कपड़ों को सुखाने के स्थल में बदलने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीओ ने बताया कि डॉक्टर नियमित रूप से यहाँ मरीजों की सेवा दे रहे हैं, साथ ही सुरक्षा में तैनात होमगार्ड भी अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। आपने वो क्या नाम है, मरीज जो है वो परेशान चल रहे हैं, पढ़िए न्यूज़ पढ़िए। देखिए मैंने फिक्स है कि मेरे यहाँ 10 ही बेड, हम लोगों ने 35 बनाया था, फिर जब एडीएम साहब आए थे है तो फिर हम लोग उसको बढ़ा करके माने आउट ऑफ वे उसको 50 किए। मरीज जब भी आप आके देखेंगे इमरजेंसी में 60 70 75 रहते, तो ये स्थिति तो मेरे यहाँ हमेशा ही रहती है। कुछ पॉइंट्स थे जिन पे चेकिंग करना था, जैसे कि पास सिस्टम अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो स्पेशल निर्देश दिए गए हैं कि दो तरह के पासेस दिए जाएंगे, एक तो जो रेगुलर अटेंडेंट फुल टाइम रहेगा और दूसरा जो विजिटिंग पासेस है। तो उसके लिए यहाँ पे सफिशिएंट नंबर्स में हमारे पास होमगार्ड्स हैं, होमगार्ड भी अपॉइंटेड रहेंगे और साथ में हॉस्पिटल की टीम भी चेक करेगी कि ज़्यादा लोग अंदर नहीं घुसे, भीड़ अननेसेसरी नहीं बढ़ाए। दूसरा एक प्रॉब्लम आ रही थी गाड़ी पार्किंग की, जिसके लिए सुपरिटेंडेंट साहब और डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब का कहना था कि स्पेस नहीं है, उसी को हम लोगों ने मॉनिटर किया तो काफ़ी स्पेस पीछे है, जिसको अगर ऑर्गेनाइज तरीके से कराया जाए तो सुपरिटेंडेंट साहब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग नेक्स्ट विजिट सैटरडे को करेंगे, तब तक वो उसको मॉनिटर कर लेंगे। उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी चोरी की, तो उसके लिए डीएसपी साहब भी साथ में हैं, उन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, सारे होमगार्ड्स भी तैनात रहेंगे चेकिंग पे और बाहर एक बोर्ड भी हम लोग लगा देंगे, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। कुछ एफआईआर हुई हैं यहाँ से, जिसको हम लोग एक बार रीचेक और मॉनिटर कर लेंगे कि एफआईआर के बाद उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई होगी। टेलको स्थित हिलटॉप स्कूल के कक्षा 11वीं के छात्र छात्राएं जो अनुत्तीर्ण हो गए हैं, आज उपायुक्त से मिलने पहुंचे और प्रमोशन की मांग करने लगे। उनका ये भी आरोप है कि टीचर्स की कमी की वजह से उनका कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाया। कक्षा 9वीं और 11वीं में अनुत्तीर्ण हो चुके छात्र छात्राओं का और उनके अभिभावकों का हंगामा जारी है। अभिभावक कहते हैं उनके बच्चे को फेल कर दिया गया, तो स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्चे ने तैयारी नहीं की और पास मार्क लाने में विफल रहा। ग्रेस मार्क देकर उन्हें प्रमोट करने का अधिकार उनका नहीं, बोर्ड का है। पिछले कुछ दिनों से राजेंद्र विद्यालय, KSMS, DBMS, बेल्डी चर्च समेत अन्य स्कूलों में हंगामा जारी है। आज टेलको स्थित हिलटॉप स्कूल के बच्चे भी उपायुक्त से मिलने पहुंचे। मामला यही है कि हमारे स्कूल में 11th स्टैंडर्ड की जब स्टार्टिंग हो रही थी तो 4 महीने तक कंटिन्यूसली नो टीचर्स थे, एब्सेंस थे टीचर की। उसके बाद लगातार टीचर्स आने लगे, हमारे टोटल 6 टीचर्स चेंज हुए हैं लगातार। नाम भी है उनके, सिमरन मैम, मंत्री भाटिया, पूनम मैम, टीचर ईशा, सौम्या मैम, बहुत सारे टीचर्स हैं। और एक स्टूडेंट हमारा, किस क्लास में हो तुम? 11th में। कितने बच्चे को फेल किया गया? एक सेक्शन से हमारे 40 बच्चे फेल हो चुके हैं। अभी किससे मिले के लिए? अभी हम लोग डीसी ऑफिस में डीसी सर से मिलने आए थे। सर ने बोला है कि एक लेटर एक्सेप्ट किया है और एक लेटर उन्होंने कहा है कि एसडीओ मैम के पास पहुँचाना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋषभ राज चंदेल, क्लास 11 है। मेरा नाम आई सुमन है, स्टैंडर्ड 11 में हिलटॉप स्कूल। हमारे स्कूल में 6 बार टीचर चेंज हुई है, 2 महीने के लिए टीचर आई नहीं। फिर हमें मतलब हम लोग कल बात करने के लिए गए तो उसमें भी प्रिंसिपल हम लोग को बोली कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद एक लड़की बेहोश भी हो गई, उसके चलते टीचर यहाँ मान नहीं रही है बात बहुत। मतलब हम लोग हमेशा जो भी है, हम लोग जितना भी है, 6 बार टीचर एक्सचेंज हुई है। उसके बाद एक स्टूडेंट आके पढ़ाया, उसके बाद वो एक स्टूडेंट के बारे बोले तो वो बोली हिलटॉप के टॉपर है। तो और बस हमें प्रमोट कर दिया जाए, बस वही बोलना चाहेंगे। नहीं किया गया तो साल पूरा खराब हो रहा है और हम लोग बहुत मेहनत की, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं की हम। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कोल्हान के कमिश्नर के अलावा तीनों जिलों के उपायुक्त मौजूद थे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को पश्चिम सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य स्तर के वरीय पुलिस अधिकारी अमोल वेणुकांत होमकर,
कोल्हान कमिश्नर हरिप्रसाद केसरी, डीआईजी मनोज रत्न चौबे के अलावा कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसवा जिले के डीसी, एसपी समेत अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक में अधिकारियों के साथ कई चरणों में समीक्षा की, जिसमें तीनों जिलों में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती और अन्य तैयारियों पर गहन समीक्षा की। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव को कैसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए, इस पर विशेष बैठक की गई। समीक्षा में हम लोग का भी आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी कितना लेवल तक है उसके बारे में हम लोग समीक्षा किया था। समीक्षा मोटा मोटी उसी लाइन पर चल रही है। अभी आज का स्टेज में क्या होना चाहिए उसी लेवल तक तैयार है। फिर आने वाला समय के लिए क्या तैयारी करना है उसका संबंध में हम लोगों को ब्रीफिंग करना है। एक इलेक्शन है, एक डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है, एक फेस्टिवल का कैसा सेलिब्रेट करना है उसी संबंध में तैयारी देख रहे हैं। साथ साथ में सुरक्षा के लिए कितना व्यवस्था करना है उसका संबंध में हम लोग समीक्षा किया था। प्रिपरेशन तीनों जिला में मोटा मोटी ठीक है। हम लोग आने वाले भी कुछ चीज़ें होगी, मतलब हम लोग बात करेंगे। चांडिल के कांदरबेड़ा के समीप हुए भीषण सड़क हादसे में मारे गए आदित्यपुर के चारों युवकों की शव यात्रा एक साथ निकाली गई। इस गमगीन दृश्य को देख वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। इससे पूर्व सांसद और सिंहभूम से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा, भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह, आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह के अलावे क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मृतकों के घर पहुँचे और सांत्वना दी। आपको बता दें कि सोमवार के शाम लगभग 4:30 बजे के आसपास एक वर्ना कार पर सवार होकर आदित्यपुर कॉलोनी के चार युवक संस्कार मिश्रा, अभय सिंह, सूरज साहू और निखिल शर्मा निकले थे। इसी दौरान कांदरबेड़ा चौक के समीप खड़े ट्रक में सीधी टक्कर मार दी, जिससे चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आदित्यपुर में मायूसी छाई गई है। इधर मंगलवार को चारों युवकों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव यात्रा निकाली गई। काफ़ी दुखद घटना हुई है। जनवरी में ही 6 बच्चे आश्रम और अब 4 बच्चे से आदित्यपुर क्षेत्र में। ये बहुत दुखद घटना है, बोलने के लिए शब्द नहीं है। कभी परिवार से मिले, सब परिवार के इकलौते चिराग हैं। और इस वक्त बस अपने ही कहना चाहेंगे कि परिवार को इस दुख की घड़ी में ईश्वर साथ दे, हिम्मत सहने की शक्ति दे। और जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी पर भी सरकार को सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो रोड सेफ्टी पर सरकार भी सचेत है। और बागबेड़ा के नकदी गांव के कुएं से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। बागबेड़ा थाना अंतर्गत नागाडी सरकारी प्राथमिक विद्यालय के निकट स्थित कुएं से दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों को कुएं में अज्ञात शव के होने की जानकारी मिली। देर न करते हुए ग्रामीणों ने इसकी सूचना बागबेड़ा पुलिस को दी। बागबेड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकालकर शव की पहचान जुट गई। शव के पूरी तरह से सड़ जाने के कारण शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। करीब 1 बजे आसपास ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि यहाँ घागाडी यहाँ पर मतलब एक शव है जो कुआं में है, पानी के ऊपर तैर रहा है। उस विषय पर हम लोग आए और उसको देखे कि ये तो मतलब चित हुआ है, जो महक भी रहा है। तो फिर इसको हम लोगों ने मतलब निकालने के लिए नगर पालिका से व्यक्ति को मंगाया गया, जो अभी कुछ देर पहले निकाले। उधर सीताराम डेरा से आए आदिवासी हो समाज के लोगों ने एसडीओ से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें खाली भूमि पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा जमाने की शिकायत की गई है। बैप्टिस्ट चर्च के बगल में टिस्को के द्वारा निर्मित पब्लिक शौचालय है, उसी के जस्ट बगल में भूखंड, एक खाली भूखंड है, उसको शंभु घोष नामक और कुछ जमीन माफिया मिलकर उसको घेरने की कोशिश किया जा रहा और कुछ हद तक तो घेर भी दिया है। तो हम लोग इसके पहले सिक्योरिटी
विभाग में भी जानकारी दिए थे और स्थानीय तहसीलदार को भी दिए थे, लेकिन उन लोगों का आने के बाद भी कार्यवाही जो है संतोषजनक नहीं हो रहा। यानी साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो मैंने वो काम जो है तीव्र गति से वो घर बनाने का निर्माण किया जा रहा है घेराबंदी करके, तो इसी से हम लोग मैंने ये होकर असंतुष्ट होकर के अनुमंडल पदाधिकारी जमशेदपुर पदाधिकारी से हम लोग मिलने गए थे। पैरालंपिक समिति ऑफ इंडिया और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा मोहन आहूजा स्टेडियम में आज से 6वां पैरा नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें 12 राज्यों के 475 दिव्यांग खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 22 राज्यों के 475 दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही इसमें वैश्विक प्रतिभा भी हिस्सा ले रहे हैं जो अगस्त माह में होने वाले ओलंपिक में भाग लेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए एन प्रभाकर राव ने बताया कि इसमें टाटा स्टील की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये दिव्यांग खिलाड़ी सामान्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनमें से 6 खिलाड़ियों ने पिछले साल ओलंपिक मेडल हासिल किया था। प्रतियोगिता का समापन 23 मार्च को होगा। जो यहाँ पे टाटा स्टील और टाटा फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, उनके सौजन्य से ही ये बैडमिंटन पैरा वाला किया जा रहा है, नेशनल है छठवां। तो इसमें करीब 475 बच्चे दिव्यांग पैरा में भाग लिए हैं और साथ ही इसमें महिलाएं करीब 150 है और व्हील चेयर जो आप सामने देख रहे हैं वो लोग 90 लोग हैं, तो इसमें भाग ले रहे हैं। ये 20 तारीख, आज से 23 तारीख तक चलेगा और ये 23 तारीख को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा। हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दात के डी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Anniversary cake and school order specials.
with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं, ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।